अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम की खिदमत में। जैसे कि आप लोगों के कमेंट दिख रहे हैं और आपके जो है जो भी आप पर जो बीत रही हो, आप उस कमेंट्स के उन कमेंट्स के जरिए मुझे बता रहे हो, और इस बात में मैं कोई भी इस बात का इनकार नहीं करता होगा जो आप पर बीत रही होंगी, जो भी होंगी, एक्स वाई जेड नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से या भर्ती का संभ्रम निर्माण होने की वजह से हमें जो चीज़ें पैदा होती है उसको कहते हैं हम नकारात्मकता या निगेटिविटी। अब मेरे आज के इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को एक बोलने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आपने कहीं से कोई स्कूल से जैसा कोई 11 से 5, 10 से 5 करते थे, 5-7 हज़ार रुपये छोड़ दिए हैं या एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें छोड़ दी है। देखो, ये हम लोग नहीं किया, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं दूसरी बात ये बोलूँ कि जो शिक्षण मंत्री जो है, खुद शिक्षण मंत्री जब बार बार कबूली दे रहे हैं इस बात की कि हम शिक्षक भर्ती लेंगे, मैं ये कोई भी फॉरवर्डेड न्यूज़ का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई चीज़ का। जैसा कि अधिवेशन में बार बार इस बात की जब वो कबूली दे रहे हैं, अब इस पर जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये लोगों का काम होता है उसका जवाब देना, लेकिन जब ये बार बार कबूली दे रहे हैं, वो तो 30,000 की कबूली दे रहे हैं, 30,000 पद की, और उसका आधा पकड़ लो, 50% बोली उन्होंने तो 15,000। तो हमको एक उम्मीद रखनी ही है, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुम किसी भी हालत में देखो, आज की तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत, इतनी बात याद रखना कि थोड़ी सी मेहनत जहां पर तुम पूरे डाउन हो गए कि ये सब जो है चीजें बेफालतू है, और वो छोड़कर अगर तुमने छोड़ दिए, समझो पूरी तरह से मुकम्मल बोल रहा हूं मैं, छोड़ दिए और अचानक से कल को नोटिफिकेशन या कभी भी आ गई तो, या कुछ आ गया ऐसे कि भाई फाइनल हो चुकी है भर्ती, तो ये बात वो शिक्षण मंत्री साहब खुद कबूल रहे, आज भी उन्होंने अधिवेशन में कबूला है इस बात की, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है, उन्होंने अधिवेशन में कबूला है इस बात को, और वो लेकर रहेंगे ऐसा भी उन्होंने कहा, और वो नियोजित टाइम पर ही लेंगे ऐसा भी बोला है हमारे जो शिक्षण मंत्री साहब दीपक केसरकर साहब जो है उन्होंने। तो मुझे जब से शुरू है शिक्षक भर्ती का, पिछले 10 सालों में पहली बार मैंने ऐसा खुलकर शिक्षण मंत्री जो बोल रहे शिक्षक भर्ती के बारे में या उसके मसाइल के बारे में, देखो यहाँ पर मसला एक था भर्तियों का संच मान्यता वगैरह, तो अगले वालों ने उनसे पूछा था संच मान्यता, तो अब तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 98% अपलोडेड हो चुके हैं आधार कार्ड वगैरह, अब तुम्हारे पास क्या प्लान है, तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया है कि हम नियोजित टाइम में ही लेंगे, और वो कंपनी के भी बारे में उन्होंने इशारा दे दिया है कि वो हमने उसको पूरा प्लान उसकी टीम तैयार कर चुकी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखो तुम, मैं ये बात 100% तुमको, तुम्हारे क्या चीज तुम बोलना चाह रहे कि जैसा समाज, देखो जनरली आज के दौर में जो ताने तंज मारने का जो भी चल रहा है ट्रेंड है एक आज के दौर का 21वीं सदी का, स्पेशली उन लोगों को जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और अगर मैं सही बोलूं तो अपने समाज में, अपने कम्युनिटी में ये ज्यादा तंज है, तो उस चीज को ये सुनना ही पड़ेगा, जो लोहा जर्ब सहता है वही तलवार बनता है, और ये चीज मैं जाती तजुर्बात पे से बोल रहा हूं। देखो ताने तंज ये दोस्ताने में, रिश्तेदारों में खुसूसन, जैसा कि कोई चीज को लेकर कि भाई अरे टीटी हो गया, अरे डीएड हो गया, बीएड हो गया, तू तो जब पास हुआ था, तू तो अब पास हुआ था, दोस्त जो हमारे जिगरी दोस्त रहते वो चलते फिरते इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ बात को ऐसा चार लोगों में बोल देते थे। ये बात मैं 100% क्लियर, 100% सच बोल रहा हूँ, ये आपको भी खुद को पता है कि समाज के डर से मेरी नजर में कि भाई ऐसा होगा। देखो हम हमेशा जबान से जब इनकार करते कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इस बात को भी हमको यहाँ पर सब्र के हमारे इम्तिहान को हमको सब्र के इम्तिहान को हमको देना होगा, और यही जाकर आगे हमको फायदा देगा। 100% बोल रहा हूँ मैं, अल्लाह की जात पर यकीन रख के कि भर्ती वो बिल्कुल भर्ती होकर रहेंगी इंशाल्लाह। तुम सब कुछ मत तर्क करो, बस जो कंटिन्यूटी है वो रखो, और जो बहुत ज्यादा मजबूर है, जो बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान हो चुके, उकता चुके हैं, तो उन्होंने भी फिलहाल में सब्र करना चाहिए। आज नहीं कल, ये जो है जनवरी तक, अगर जैसा उन्होंने अभी कहा है कि हम लेंगे ही लेंगे, तो एक बार क्या होता, ट्रायल करके देख लेंगे। जो एकदम ज्यादा जिनकी एज हो चुकी है, मैं उनसे कोई एकदम फोर्सफुली नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अपने कम्युनिटी में जो डीएड बीएड वाले यार 25 से 30 के अंदर के है, 30-32 के अंदर के है, तो यार चलते फिरते करो तुम। देखो तुमको स्कोर में इस बात का बहुत फायदा होगा कि यार क्या दिन देखे हमने भी, और तुमने जो इंतजार देखे 17 से 22 तक का, तो हम लोग ने 9 साल का देखे यार। तो यार बताने का मतलब ये नहीं कि बहुत हमने तीर मार दिए, लेकिन इकोनॉमिकली हम बहुत डाउन जो है बहुत से रहते हैं अपने समाज में, अपने मुस्लिम कम्युनिटी में, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखो जो है इकोनॉमिकली हम जो भी रहते होंगे, अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हम उसको अहमियत देना चाहिए, किसको, कमाने को। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास टैलेंट है, उम्र है बाकायदा 30 के अंदर हूं मैं, और मैं उसी को मतलब ये बातें ले लेकर फॉरवर्डेड न्यूज लेकर उसको छोड़ देता हूँ। तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी तैयारी करने वाले जो कभी शोर नहीं करते और वो तुमसे आगे निकल जाएंगे टैट के स्कोर में, ये बात याद रखना। तो भाई थोड़ा सबर करो, मेरे पूरे जो सब्सक्राइबर है, अच्छे से अच्छा मटेरियल, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ अल्लाह ने चाहा तो जरूर दूंगा मैं, और 100% उसका कहीं ना कहीं 1% जरूर फायदा होगा, ये बात याद रखना। तो केसरकर साहब ने फिर से एक बार कबूली दी है, थोड़ा इंतजार करो यार, थोड़ा एकदम सबर रखो, काम रहो, शांत रहो एकदम, और धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लो।
अदरवाइज आज के वीडियो में यही कहना था। आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्सलाम वालेकुम।